नमस्कार, स्वागत है आपका जय जवान न्यूज में। हूँ आपके साथ पल्लवी। रामनगर क्षेत्र में स्थित मोहल्ला भवानीगंज में आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला में सोमवार की रात स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगमंच पर सीता स्वयंवर रावण बाणासुर संवाद एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला का सुंदर मंचन किया गया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में रामलीला देखने पहुंचे दर्शन कलाकारों की जमकर प्रशंसा की गई। इसके साथ ही रामलीला का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने संयुक्त रूप से किया, जिस पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामलीला कमेटी के कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए कलाकारों की जमकर प्रशंसा की। तो वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप पुठिया के संग कमेटी के पदाधिकारी ने रामलीला कमेटी में कमरों के निर्माण एवं तीन सेट के लिए विधायक से विधायक निधि से धनराशि देने की मांग की, जिस पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कमेटी की मांग को स्वीकार करते हुए रामलीला कमेटी को विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए भविष्य में भी हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया, जिस पर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने विधायक द्वारा की गई घोषणा पर उनका आभार व्यक्त किया। 51वां वर्ष है इस साल रामलीला का। पिछले साल हमने सिल्वर जुबली मनाई थी और ये आदर्श रामलीला समिति इस श्राद्धों में हमारी रामलीला होती है। और जो है यहाँ पर यहाँ के जो भी कलाकार हैं जो हम इस रामलीला में हम जिनको सिखाते हैं और हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया लेकिन हम अपनी नीचे वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं, तो जो कलाकार यहाँ पर रोल करते हैं वो आने और जो रामलीला इधर उधर रामलीला उत्तराखंड में जो रामलीला होती हैं उनमें जाकर के अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये तो एक निशुल्क पाठशाला है, यहाँ तो निशुल्क सिखाया जाता है कलाकार को। इनका तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमने जब भी मांगा है उन्होंने हमें दिल खोल के दिया है। और उन्होंने आज अपनी बात ये भी कही कि मैंने जब भी जो भी पैसा दिया है वो यहाँ लगा है, क्योंकि हम तो जो है हमारा हमेशा सोच ये रहती है कि जो भी हमें पैसा मिलता है जो भी हमें आए इधर से उधर से होती है दान में आता है तो हम उस पैसे को यहाँ के निर्माण में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ रामलीला के बाद जो है यहाँ गरीब लोगों की शादियाँ होती हैं तो उनके लिए हम निःशुल्क देते हैं। और जो कुछ दे सकते हैं तो वो दे जाते हैं, तो उससे हमारे कुछ खर्चे चल जाते हैं, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, क्योंकि आज के टाइम में खर्चे इतने हैं। एक मंदिर हमारा, ये मंदिर प्रांगण है, इसमें मंदिर है, इसमें पुजारी का खर्च और जो है भगवान का खर्च, वस्त्रों का खर्च, ये सब खर्च हैं। तो इससे जो है हमारा एक जो भी आय हो जाती है थोड़ी बहुत दान स्वरूप हमें मिल जाता है, उससे हम जो है ये कार्य करते हैं। और विधायक जी का तो हमेशा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमेशा जो दिया है आज भी उन्होंने घोषणा की है, उससे हमने दो कमरों के हमारे दो कमरे बन जाएंगे तो गरीब जनता के काम आएंगे, जो शादी होगी उनमें काम आएंगे, धर्मशाला के रूप में काम आएंगे। देखिए ऐसा है कि यहाँ सारे कलाकार निःशुल्क ही करते हैं, मैंने कहा ना कि निःशुल्क सेवा करते हैं और बड़े भाव से करते हैं, क्योंकि वो और रामलीला में जाते हैं तो वहाँ तो वो पैसे की डिमांड करते भी हैं कि हमें दीजिए, खर्चा दीजिए, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक पता नहीं प्रभु के ऐसा आशीर्वाद रहा है शुरू से ही, 51 वर्ष है, मैं जब से आया हूँ मैं तो यही देखता आया हूँ कि यहाँ पर कलाकार निःशुल्क भाषा से आता है और यहीं पर कलाकार बनता है जो है। और आपने कहा कि श्राद्धों में क्यों होती है, श्राद्धों में इसलिए होते हैं कि हमारे पितृ लोग जो हैं हमारे आते हैं, पितरों का आशीर्वाद भी सबसे बड़ा आशीर्वाद पितरों का आशीर्वाद है। वैसे कहा तो ये गया है कि माँ बापों की सेवा जो जिंदे पे सेवा करता है उसको माना जाता है, लेकिन पितर जो है जो हमसे जाते हैं उनको यदि हम उन्हें याद इन श्राद्धों के दिन में करते हैं और वो भी अखंड रामचरित मानस के दिन जो है उनका पाठ कराते हैं तो ये तो और बड़ा सौभाग्य क्या होगा। रामनगर में चल रही भवानीगंज क्षेत्र में रामलीला के मंचन के दौरान सोमवार की रात सीता स्वयंवर रावण बाणासुर संवाद और परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया गया, तो वहीं भारी संख्या में मौजूद दर्शकों ने कलाकारों द्वारा किए गए अभिनय की जहां एक ओर जमकर प्रशंसा की, तो वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामलीला का शुभारंभ किया और उन्होंने रामलीला समिति के कार्यों की जहां एक ओर जमकर प्रशंसा की, तो वहीं कलाकारों द्वारा दिखाए गए अभिनय को भी उन्होंने जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि लगातार जो पब्लिक दर्शक यहाँ रामलीला देखने आ रहे हैं, रामलीला देखने तक इसको सीमित ना रहे, रामलीला में कलाकारों द्वारा जो भी अभिनय किए जा रहे हैं उनको अपने जीवन में चरितार्थ करें तभी जो है समाज का भला होगा। तो वहीं रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामलीला समिति के जो कार्यों की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं उन्होंने रामलीला में कक्ष निर्माण और टीन सेट को लेकर रामलीला समिति की मांग पर विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने की भी घोषणा की है, जिसको लेकर रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी का आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक ने
रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र की समस्याएं, रामलीला की जो भी अन्य समस्याएं, उनका प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे जैन। तो खास रिपोर्ट यहाँ की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जे जैन न्यूज। धन्यवाद।